सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसीलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलेंगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। अकेले चलोगे तो हर कठिनाई से लड़ना सीख जाएंगे और यदि भीड़ में चलोगे तो दूसरों के बनाए साए में ही छुपना पड़ेगा। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं, या फिर हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा करने लगते हैं। आज का पंचांग 3 अगस्त 2023 दिन गुरुवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 4:17 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 9:56 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 3 अगस्त 2023 दिन गुरुवार, दूसरों को दुखी देखकर आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद को अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें। बुराइयों या जुए में शामिल होना अभी बेवकूफी होगी। कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। जीवन के सार्थक अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप भावनाओं की जटिलताओं से दूर रहकर संसार के सुखों का मजा लेना चाहते हैं। आपका धीरज आपके चाहने वालों को आकर्षित करेगा। हर वक्त की तरह आज भी आपका समय अद्वितीय है। हार जाने के डर को जीतने के उत्साह से ज्यादा बड़ा ना होने दें। आप आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। आपको अपने प्रवृत्ति का उपयोग अपने आप को खुशी देने के लिए भी करना चाहिए और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं। जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें क्योंकि आपके कार्यकलापों को गलत भी समझा जा सकता है। कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। अच्छा आपको धन लाभ हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने परिवार को बताकर और अपनी कामों से जताकर महसूस कराते रहें कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। उससे उन्हें खुशी मिलेगी और इस खुशी को दुगना करने के लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं। प्यार का भरपूर लुफ्त मिल सकता है। वेब डिजाइनर्स के लिए बेहतरीन दिन है। पूरी एकाग्रता से काम करें क्योंकि आज आप चमक सकती हैं। कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकती हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकती हैं। ग्रह स्थिति आपको कोई खास उपलब्धि देने के लिए तत्पर है। अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी। पारिवारिक लोगों की हर छोटी मोटी जरूरत पूरा करने में आपको आनंद मिलेगा। किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने का उत्तम समय है। युवा अपने भविष्य को लेकर अप्रत्याशित रहेंगे। केवल पैसों को ही आप महत्व दे रहे हैं, इस बात का अवलोकन करें। जिन कामों के लिए आप खुद को निर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी वजह से आपका डर बढ़ सकता है। इस डर को दूर करें। अगर किसी बात के लिए परिवार के लोगों से सहायता चाहिए तो इस बारे में खुलकर चर्चा करें। आपके कठोर लेन देन की वजह से अनेक लोग आपके सामने खुलकर बात करने से कतराएंगे। स्टॉक मार्केट से जुड़े निर्णय आगे बढ़ाते समय दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। लव रिलेशनशिप संबंधित निर्णय शुरुआत में थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। दिन पूरे ना होने से कमजोरी भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, सहज तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। जल्दबाजी और अति उत्साह की वजह से कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। कुछ प्रतिद्वंदी आपके प्रति गलत भावना रख सकते हैं। संतान का अड़ियल व जिद्दी रवैया भी आपको परेशानी में डालेगा। बात करते हैं लव लाइफ की।
जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखें, प्रेम प्रसंग में मर्यादित भी रहें। आपके सितारे बता रहे हैं कि आप किसी गुप्त रिश्ते में हैं, जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया है। आज समय में इस संबंध को दुनिया के सामने लाने और अपने प्रेम का प्रदर्शन करने का है। याद रखें, कोई भी दुख झटका या हानि स्थायी नहीं होते। बस थोड़ा सब्र रखें, आज आप दुनिया के सुखों का मजा लेने में व्यस्त रहेंगे। आपका शांत स्वभाव सबको आकर्षित करता है। अपने साथी और परिवार के साथ वक्त गुजारें, अपने यौन क्षितिज का विस्तार करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझें। अलग अलग यौन तरीकों को सीखें और अपनाएं। जीवन स्पाइसी हो जाएगा। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंगा आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, जिन फलों को खाने की मनाही होती है उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर ले कि आपकी इस मजे और साहस पर अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी ना होने पाए। बात करते हैं करियर की। आज आपकी योजना के अनुसार कुछ नहीं होगा, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच ले। किसी अप्रत्याशित बीमारी या दुख से सामना हो सकता है, लेकिन ऐसे में हौसला रखें। अच्छे वक्त की तरह यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। सभी सफर में गड़बड़ी की भी संभावना है। एक अच्छे अनुभव की आपकी इच्छा आपको अपने साथी से प्यार का इजहार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपका शांत मूड आज आपके सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेगा, जिससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। आज कुछ भी हो, आपके लिए आपकी प्राथमिकता आपका परिवार ही रहेगा। याद रखे, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कुछ वित्त और करियर के विभिन्न अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आप उन्हें लेने के लिए अभिभूत होंगे, लेकिन थोड़ा उलझन भी महसूस कर सकते हैं कि किस दिशा में जाए। सावधान रहें कि यह अनिर्णय आपको पंगु न बनाए। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी तरह से आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। कार्यवाही आज के दिन की आवश्यकता है। कारोबारी मामलों में बड़े फैसले लेने में दिक्कत आ सकती है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कार्य विस्तार संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने में अभी जल्दबाजी ना करें। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिकारियों से मदद मिलेगी। लाभ मिल सकता है। किसी परिजन के साथ व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। संतान के कार्यों से उन्नति के योग नजर आ रहे हैं। किसी मित्र या संबंधी के लिए गलतफहमी दूर होगी। आज आपको माता से लाभ मिल सकता है। किसी परिजन के साथ व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। संतान के कार्यों से उन्नति के योग नजर आ रहे हैं। किसी मित्र या संबंधी के लिए गलतफहमी दूर होगी। विवाह चर्चा में सफलता आज मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान वातावरण की वजह से स्वभाव के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। आने पर आयुर्वेदिक इलाज लेना उचित रहेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो पिछले कुछ समय से अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधित कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर दिखेगा। आज का उपाय, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।